एक लड़के ने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। नाई का काम कर रहे उसके पिता उन्हें एक गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार ये मेरे बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। उस आदमी ने अपनी टांगे टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरे पैर दबाओ। ये सब हुआ था लालू प्रसाद यादव के गुरु जन नायक कर्पूरी ठाकुर के साथ। जब सभ्य समाज से आने वाले लोगों को उनकी सफलता पर हौसला बढ़ाना चाहिए था, ऐसे समय में युवा कर्पूरी ठाकुर को अपमान का घूंट पीना पड़ा था। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। आजादी के समय पटना के कृष्णा टॉकीज में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक क्रांतिकारी भाषण दिया कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल एक थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के बाद उन्हें दंड भी झेलना पड़ा था। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद भी वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास एक मकान भी नहीं था। ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व था जननायक कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन से पहले पटना में होटल मौर्या में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि कैसे कर्पूरी ठाकुर का नाम कर्पूरी ठाकुर पड़ा। कर्पूरी नहीं हो सकते हो, तुम तो कर्पूरी हो, तुम में कर्पूर की खुशबू है, तो कर्पूरी, तो वहां से वो कर्पूरी बन जाते हैं। इस तरह के अनोखे संस्मरण है, कैसे उनको पढ़ाई में दिक्कत हुई, सारा जो उनका सोशलिज्म का, सोशल एम्पावरमेंट का जो आइडिया आया है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप देखिए, ताकि भी व्यवहार आप देखिए, पंचायती राज सिस्टम को जिस तरह से उन्होंने दुरुस्त किया, सारा उन्हीं का आइडिया दिया हुआ है। आप तो पिछले 30 सालों में देख रहे हैं सोशल एम्पावरमेंट का काम, वो उनकी उनका जो कालखंड है, बड़े भले ही 2-2.5 साल को मिलाकर हुआ, और ये भी पहली बार इतिहास में हुआ है जब 67 में वो डिप्टी सीएम बने, तो डिप्टी सीएम की ज्यादा चर्चा होगी। कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर एक वीडियो भी लॉन्च की गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती नम्रता ठाकुर ने कहा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आज के युवाओं को उनके कष्टों के बारे में बताना चाहते हैं। हम लोग गाने के माध्यम से, जो हमारे युवा वर्ग हैं, हम लोगों का यही है कि जो युवा वर्ग हैं, उन तक हम उनके जीवन के व्यक्तित्व के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, वो यहाँ तक वहाँ तक जो कितने कष्ट से आए हैं। आज युवा वर्ग कहते हैं हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं, हम जाति से ये हैं, ये बाधा बहुत नहीं बन सकती है उनके जीवन को। पर अगर वो जानेंगे तो शायद इन सब चीज़ों से ऊपर उठेंगे वो, और ऊपर उठ के अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम उन लोगों को आगे बढ़ाएं जो अपने आप को गरीब, पिछड़ा और ये सब समझते हैं, इसलिए उनकी बातों तक हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ आजकल तो सब जगह मोबाइल है, हर चीज़ है, तो बच्चे हो चाहे युवा हो, सब कोई लोग इनकी बातों को सुन सकते हैं संगीत के। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। राम सेवक यादव और मधुलिमे जैसे दिग्गज साथी थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी इनके शिष्य थे। सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। पटना से सुजीत झा, बिहार तक।